Ma'am, listen to me, ma'am. Be humble at least. Listen to my question at least. My humble request to you. मैं आपसे जानना चाहता हूँ सब कुछ चीजें ठीक थी. Why I have to shout? नहीं नहीं मैम सब कुछ चीजें ठीक थी आपके अकॉर्डिंगली आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक था. मैं आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ. दो एफिडेविट थे दो एफिडेविट उन दो एफिडेविट को बदलवाया क्यों गया. एक एफिडेविट को दूसरे एफिडेविट के लिए किसने बदलवाया किसने बदलवाया किसके प्रेशर में बदलवाया. एफिडेविट को बदलवाने की जरूरत क्यों पड़ी. इशरत आईएलटी की आतंकवादी नहीं है यह बताने का जोश क्या चढ़ा हुआ था. अमीश जी ये दोनों एफिड कोर्ट के पास है और कोर्ट के पास कोर्ट मॉनिटर्ड एविडेंस है और इन्वेस्टिगेशन है. व्हाट विल हैव मोर एविडेंशियरी वैल्यू दैट इज द कोर्ट टू डिसाइड. इवन इफ द बोथ द एफिडेविट्स आर राइट और इफ बोथ आर रॉन्ग दे विल बी इवैल्यूएटेड बाय द कोर्ट. मैम एफिडेविट चेंज करवाया नहीं करवाया द कांग्रेस इन द पिक्चर. अरे जीके पिल्ले बोल रहे हैं आरएस मनी बोल रहे हैं राजेंद्र कुमार बोल रहे हैं अब सतपाल सिंह भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं का दबाव था. एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग. ओके आप कह रहे हैं व्हाट यू आर सेइंग कैन यू कम अगेन मैम. कांग्रेस के कौन से नेता का दबाव था. और मिस्टर सिंह सत्यपाल जी अब आके बोलते हैं अमित जी प्लीज आस्क हिम अ क्वेश्चन. हैव यू बिट्रेड द कॉन्स्टिट्यूशन हैव यू बिट्रेड द पीपल ऑफ दिस कंट्री. क्यों चुप रहे वहां और आज अचानक आप खड़े होके बोलने लगते हो. व्हाट प्रिवेंटेड यू एट दैट टाइम टू टेल द कोर्ट. ओके ओके नाउ सुधांशु कम इन. लुक हियर आई एम लेट सुधांशु कम इन. ओके लेट सुधांशु कम इन. इतना इतना कॉन्शियस हो आप अपनी ड्यूटी के और व्हाट इज हैपनिंग. ओके लेट सुधांशु कम इन. ओके ओके कीप ट्वीटिंग ऑन दिस इशू. ओके सुधांशु द्विवेदी अभी याग्निक जी का ये कहना देखिए अभी याग्निक जी का ये कहना है हर्ष के आप क्यों लोग तमाम बोल रहे हैं. अभी याग्निक जी का ये कहना है कि मामला कोर्ट में है. ठीक है भाई कोर्ट में है तो वो निर्णय कोर्ट का आएगा. मगर हम तो प्रश्न आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपकी सरकार से चार प्रश्न पूछता हूं. पहली बात आपने एफिडेविट क्यों बदला. ये तो आपने बदला है ना. बता दे चिदंबरम जी कि हमने इसलिए बदला था कोर्ट जो निर्णय देना होगा देगा. आपने स्टैंड बदला तो कोई रीजन बताएंगे. सेकेंड थिंग वो रीजन क्या था. जब आईबी की रिपोर्ट आपकी सरकार के समय आसिफ इब्राहिम साहब स्टैंड ले रहे थे कि वो लश्कर ए तैयबा से कनेक्टेड है. एनआईए की रिपोर्ट आपके समय में 2010 में लोकनाथ बेहुरा जाकर आईबी के ऑफिसर अमेरिका से रिपोर्ट लेके आए कि उसका कनेक्शन है. एलईटी की वेबसाइट पर उसका नाम है और चार साल तक रहा और एलईटी के अखबार ने उसे शहीद की दर्जा दिया जिसमें हाफिज सईद का भी स्टेटमेंट था. चलिए अब उसके बाद सीबीआई भी एक समय तक उसको आतंकवादी मान रही थी. अचानक लौट कर आ जाती है और अमी याग्निक जी ये बताइए कि भारत के इतिहास में यह इकलौता मौका था जब दो सरकारी एजेंसीज आईबी और सीबीआई एक दूसरे के खिलाफ खड़ी थी. आईबी कह रही थी आतंकवादी है सीबीआई जो पहले मान रही थी आतंकवादी अचानक बदल गई. अब आइए तीसरी बात. यदि अंडर सेक्रेटरी से लेकर सेक्रेटरी तक सब लोग ये बात कह रहे हैं मेरी बात पूरा जाने दीजिए फिर आप रिप्लाई दीजिएगा. यदि अंडर सेक्रेटरी से लेकर सेक्रेटरी तक सब लोग ये कह रहे हैं कि साहब हमारे पास हमने इसका कोई इनपुट नहीं दिया है एजेंसीज का इनपुट कुछ और था तो चिदंबरम जी ये बता दें कि कौन सी आसमानी अंतःप्रेरणा उन्हें हुई थी कि उन्होंने इसके ऊपर ये किया था. और अंत में रुक जाइए एक वाक्य और चौथी बात ये कि ये पेपर्स क्यों मिसिंग हो गए. इन चारों का उत्तर दे दीजिए. ओके जवाब निर्णय लेगा ये चार तकनीकी राजनीतिक प्रश्न इनका उत्तर चाहिए. ओके अमी याज्ञिक क्विक रिप्लाई. सुधांशु जी ये मैटर में आप कांग्रेस को मत घसीटिए. आपकी सरकार मत कीजिएगा. ये मैटर कोर्ट मॉनिटर्ड मैटर है और अगर एफिडेविट किया है तो मिनिस्ट्री ऑफ होम ने किया है तो सारे ये जो ब्यूरोक्रेट्स अभी आके बोलते हैं प्लीज आस्क देम अ क्वेश्चन. व्हाई आर दे बिट्रेइंग द कंट्री. इट इज मच चिदंबरम जी बता देना कि उनके पास कौन सा इनपुट था जिसके बेस पे उन्होंने स्टैंड चेंज किया. क्यों बिट्रे कर रहे हैं. अरे ऑल द ब्यूरोक्रेट्स दे आर सेंडिंग अ रॉन्ग मैसेज टू द यंग पीपल हु आर जॉइनिंग द ब्यूरोक्रेसी. व्हाट इज दिस प्रेशर दे आर कमिंग आउट विद नाउ सडनली. इट इज अनफॉर्चुनेट अमी याग्निक जी. इट इज द पॉलिटिकल लीडरशिप व्हिच इज गिविंग अ रॉन्ग मैसेज. अरे कोर्ट को बोलना चाहिए था. पॉलिटिकल इंटरेस्ट दे कैन इवन कंप्रोमाइज द नेशनल सिक्योरिटी. कोर्ट में क्यों नहीं कहा. दे शुड हैव टोल्ड द कोर्ट. सुधांशु जी उन्हें कहिएगा कि दे शुड हैव टोल्ड द कोर्ट. इतना क्या कोर्ट से भागने की जरूरत थी कि कागज क्यों गायब हो गए ये बता दीजिए. सारे अफसर बोल रहे हैं कुछ और एजेंसीज बोल रहे हैं कुछ और कागज गायब. आपकी सरकार है चीजों को मिला के जवाब दे दीजिए. कौन सा चित्र उभरता है ये कोई भी समझ सकता है. जी मैं अब रुक करता हूं अली अनवर का. अली अनवर डू यू थिंक ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया इट इज द बिगेस्ट पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी टू टारगेट अ पॉलिटिकल लीडर. देखिए
to target a political leader, forget about the political leader is Narendra Modi and Amit Shah. Forget for some time it is Narendra Modi and Amit Shah. Lekin talk about people of India. Agar इच्छा जहां आतंकवादियों के साथ थी तो वो जो आतंकवादी थे वो यहां पे फूल देने तो आए नहीं थे. क्या आपको लगता है ये देश की जनता के साथ भी धोखा है? दैट इज अ पॉइंट. देश की जनता की सिक्योरिटी के साथ भी धोखा है. दैट इज माय पॉइंट टुनाइट. देखिए अमीश जी, इशरत जहां टेररिस्ट थी कि नहीं थी ये मामला कोर्ट के सामने पेंडिंग है. और आपसे कहेंगे अमीश जी, आपकी जितनी उम्र है उतना दिन मैं पत्रकार रह करके और तब एमपी बना हूं, तो मैं कहूंगा कि आप उसको, आप कम से कम मेहरबानी करके जर्नलिज्म का इथिक्स, सर जर्नलिज्म का एथिक्स ही है क्योंकि फैक्ट्स जज मत कर रहे हैं. देखिए आरवीएस मनी बोल रहे हैं, राजेंद्र कुमार बोल रहे हैं, जीके पिल्ले बोल रहे हैं, अमीश जी सतपाल सिंह को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि वो बीजेपी के, सुन लीजिए उनको छोड़ भी दीजिए, कोई बोले फाइलें गायब हो गई है, ये इशारा भगवान बोलेंगे. सुन लीजिए, आप भी अगर जर्नलिस्ट होते फाइलें गायब, तीन ब्यूरोक्रेट्स ये बोल रहे हैं, इशारा क्या है? पॉलिटिकल प्रेशर था जिसके चलते अगर बदला गया, देश की जनता की सिक्योरिटी के साथ गड़बड़ हुई. अमीश जी अगर खुदा मियां भी कहेंगे तब भी एक जर्नलिज्म का इथिक्स कहता है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता है तब तक हम कथित रूप से कहेंगे. आप सीधे उसको, आप कोर्ट मत बनिए मेहरबानी करके. दस साल से अमीश जी ने ठीक कहा, जब नरेंद्र मोदी को कातिल कहा जाता था, तड़ीपार कहा जाता था, तब ये 10 साल से क्यों नहीं थी बात ध्यान में? अचानक ये 10 साल की बात क्यों आई है ना? अब अरे भाई तड़ी पार तो हुए ही थे. अब आप ये लाइन को ले रहे हैं. अगर आप कह रहे हैं आप जर्नलिज्म के एथिक्स से बता रहे हैं, आप मीडिया क्लास ही ले रहे हैं, तो टेल मी उन्हीं के पुलिस ने उन्हीं का प्रशासन था. सुन लीजिए, दिक्कत ये है कि आप बहुत तेज तरार जर्नलिस्ट हैं और बहुत आप यंग भी हैं, तो इतना तो हम लोग चिल्ला नहीं सकते. सर आप बोलिए अपनी बात, थोड़ा सा बीच में सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए. मैंने तो आपसे सवाल पूछा, देश मतलब की जनता की सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ हुआ नहीं हुआ, आप जवाब दीजिए. मैं बिहार की बेटी तक तो आए नहीं अभी तक. अमीश जी सुन लीजिए. जी सर बोलिए. कहने का मतलब कि इस पर विवाद है कि उसका फेक इनकाउंटर हुआ कि नहीं हुआ, इसमें आप एक पक्ष ले सकते हैं, लेकिन कोर्ट को कहिए. आप त्रिवेदी जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये प्रवक्ता हैं, हम समझते हैं कि बीजेपी के सबसे सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, तो ये कहें तो कोई एतराज नहीं है, ये कह सकते हैं. ओके. माननीय गृह मंत्री जी कह सकते हैं, उनके पास रिकॉर्ड है, वो कह सकते हैं, लेकिन हमको ये राइट नहीं है कि हम उसको निर्दोष कह दें या दोषी कह दें. उसी तरह से किसी को कोर्ट में मामला है, मैं बार बार कहता हूं, इससे ये हो जाता है कि भाई आपकी प्रमाणिकता पर, आप ये इस साख पर चोट लगती है, आपको बहुत आगे बढ़ना है. सर माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, अनवर साहब आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, सीनियर लीडर है, यू हैव मेड योर पॉइंट. मैं राकेश कपूर के पास आऊंगा कि वो आपकी बात का जवाब दें. राकेश कपूर, डू यू थिंक अ कॉन्स्पिरेसी, अ पॉलिटिकल प्लॉटिंग, एंड उसके साथ सबसे बड़ी बात, देश की जनता के साथ धोखा? देखिए सारा मामला, इशरत जहां पे पिछले 10 साल राजनीति हुई है, वही मैं कह रहा हूं ना, सारा मामला कहां पर बिल्डअप होता, कहां से, कौन से विच इज द फोकल पॉइंट इज whether Ishrat Jahan was a terrorist or not. If it is proven that she was a terrorist, encounter whether fake or real doesn't matter. Crossfiring. Doesn't matter, whatever it is. मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि मैं माननीय चिदंबरम जी की के आर्गुमेंट से ही एक पॉइंट उठाता हूँ. उनका जो आर्गुमेंट है वो ये है कि आईबी का काम जो है वो चार्जशीट फाइल करना नहीं होता, चार्जेस ड्राफ्ट करना नहीं होता है, ये काम सीबीआई का होता है. आईबी ने जब अपना इनपुट दिया
और उसको कहा कि ये टेररिस्ट है या टेररिस्ट हो सकती है, तो निश्चित रूप से सीबीआई उसी के अकॉर्डिंगली काम करेगी। अब जब स्वयं गृह मंत्री वो एफिडेविट बदल देते हैं तो वहां पर शक सबसे ज्यादा पैदा हो जाता है, और ये बात पैदा होती है कि आईबी अगर सरकार ये वहां बोनाफाइड्स जो होम मिनिस्टर के हैं वहां शक के घेरे में आ जाते हैं कि सरकार अपने आईबी के इनपुट पर यकीन नहीं करती है। सरकार अपने जो सेकंड जो एफिडेविट बदला गया है उसका अर्थ सीधा ये निकलता है, तो पूरा लब्बे लबाव इस बात पर आकर के निकलता है कि अगर इशरत जहां टेररिस्ट थी और ये आईबी का इनपुट था तो उसको किस हैसियत से हमारे सम्मानित गृह मंत्री ने उस समय श्री चिदंबरम साहब ने अपना नया एफिडेविट ड्राफ्ट करते हुए उस मामले को हटा दिया था। यहीं से सारा यू सी इट कैन फॉल फ्लैट जी, मैं आप दोनों फॉर एंड अगेंस्ट सारे जो आर्गुमेंट्स हैं वो इसी पॉइंट पर आकर के रुकते हैं। लेकिन चिदंबरम साहब ने जो काम किया उन्होंने तो वो हटा दिया कि जो आईबी के इनपुट को ही हटा दिया। अरे भाई बात क्या है, बात ये है कि खुलेगा किस तरह मजमू मेरे मकतूब का या रब, कसम खाई है उस काफिर ने कागज को जलाने की, जब आपने कागज ही जला दिया जी बचा क्या। ओके बड़ा पॉइंट, ओके मोहम्मद अदीब अमीश जी कहना आई कम टू यू अमीयाद्रिक मोहम्मद अदीब, अ क्विक पॉइंट फ्रॉम यू एंड देन आई विल गो टू विक्रम जी। क्या आपको लगता है इस पूरे मामले के अंदर 2011 में तत्कालीन एसआईटी प्रमुख करनाल सिंह ने हेडली के बयान से जुड़ी जानकारी मांग रही थी जो इशरत जहां से जुड़ी थी, लेकिन ये जानकारी नहीं दी गई। इसके अलावा क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश करी तत्कालीन सरकार ने, और इसका खामियाजा वही सवाल जो मैंने अली अनवर से पूछा था, इसका खामियाजा देश की जनता को भुगतना पड़ा। अमित जी मैं बोलूं? जी जी सर, हेलो जी सर, गो अहेड, मेरी आवाज आ रही है? बताइए जी। देखिए अमित जी ऐसा है कि मेरी बात दो मिनट सुन लीजिएगा फिर आप अपना कमेंट कीजिएगा। आपको सब ऑफिसर्स याद हैं, एसआईटी का वो चीफ ऑफिसर जिसको हाई कोर्ट ने नियुक्त किया था सतीश, उसका बयान कहीं आपने कोर्ट नहीं किया? नहीं, बड़ा मुझे पता था नहीं बोलेंगे। मैंने एफिडेविट तो बदला है, मेरा पॉइंट तैयार है सर, मेरा पॉइंट तैयार है सर। सतीश वर्मा की आप बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, सतीश वर्मा पे तो आरोप है कि उन्होंने सिगरेट से चलाया आरबीएस मनी को। अच्छा सुन लीजिए, नहीं बड़ा सवाल है, आप ये बताइए प्रेशर किसका था, आपको क्या लगता है किसका प्रेशर था जिसके चक्कर में एफिडेविट को बदलवाया गया? आपको नरेंद्र मोदी को पॉलिटिकली टारगेट कर रहे हैं, अमित शाह को पॉलिटिकली टारगेट कर रहे हैं, देयर आर 10 अदर रीजंस बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द नेशन। अच्छा बोलने देंगे आप या नहीं बोलने देंगे? या बोलने देंगे नहीं बोलने देंगे सर? ये देश का सवाल है, फॉरगेट पॉलिटिक्स राइट नाउ। सवाल कुछ नहीं है, आप ऑर्डर पास करते हैं, आप बुलाते हैं ऑर्डर पास करते हैं, ये क्या तरीका बनाया आप लोगों ने? सवाल मैं आपसे से ये पूछ रहा हूं कि भाई आप दूसरे अफसर का नाम भी लीजिए, लेकिन आप फैसला कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि साहब ये आतंकवादी है, कोर्ट कह रहा है नहीं है, कोर्ट कुछ कह रहा है, आप कह रहे हैं कोर्ट ने अभी तक नहीं बोला, डोंट मिसलीड द नेशन, कोर्ट में ऐसा नहीं अलाउ यू सर, कोर्ट ने अभी तक नहीं बोला वो आतंकवादी नहीं है, कोर्ट कह रहा है, कोर्ट ने कब बोला वो आतंकवादी है मुझे बताइए। अमित जी सुन लीजिए, देखिए अमित जी सुनिए, ये क्यों करते हैं आप डिबेट? इसलिए कर रहे हैं कि ये सरकार जो इस वक्त आई है वो आई थी डेवलपमेंट के नाम पर, वो सरकार आई थी एंटी करप्शन के नाम पर, वो सरकार आई थी गवर्नेंस के नाम पर, ये तो कुछ हुआ नहीं। तो अब ये तमाशा 5 साल पुराना लाला के अमित शाह और मोदी और फला जैसे कल मोदी साहब ने कहा, दुर्बल लगा के मुझे देखा जा रहा है, और आप लोग बीन बजाते हैं उसकी।